बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स। तो उन्हीं की कॉन्टिन्यूएशन में जो आज टेक्निक हम पढ़ रहे हैं वो हमारी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बेसिकली क्या है कि हम एक डेटा जो कि सर्टन नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड कंसिस्ट करता है, हम उसको एक पर्टिकुलर डिवाइजर के साथ डिवाइड करते हैं और उसका एक रिमाइंडर जनरेट होता है। ठीक है, उस रिमाइंडर को हम कहते हैं ये हमारा फ्रेम चेक सीक्वेंस है। ठीक, अब ये क्या है, ये फ्रेम चेक सीक्वेंस और ये जो डिवाइजर होता है जिसके साथ आपने इस बिट्स को डिवाइड किया है, ये दोनों रिसीवर को भेज दिए जाते हैं। रिसीवर इनको जब डिवाइड करके देखता है, वही सी बात है, जब आप रिमाइंडर साफ करके भेज रहे हैं और एग्जैक्टली आप डिवाइजर भी सेम भेज रहे हैं, तो जब रिसीवर इसको डिवाइड करेगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपके पास सारे जितने रिमाइंडर है वो जीरो आएगा, उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि इस जो डाटा है इसके अंदर कोई एरर नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या साइड के अंदर लिखा हुआ है ताकि आपको जो मैंने बोला है वो रजिस्टर हो जाए। गिवन अ एम बिट ब्लॉक, ठीक है, विच इज अ बिट सीक्वेंस द सेंडर जनरेट। ठीक, एक एम बिट का ब्लॉक होगा जिसके जो नतीजे में जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, एक एन बिट का सीक्वेंस जनरेट करेगा विच इज नोन एज फ्रेम चेक सीक्वेंस, सो दैट द रिजल्टिंग फ्रेम जो दो जो जो रिजल्टिंग फ्रेम बनेगा जो सेंडर भेज रहा होगा उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी, एम प्लस एन, एम वो जो ओरिजिनल बिट थी वो और एन वो बिट जो कि रिमाइंडर की आई है। ठीक है, और साथ ही वो क्या भेजेगा, वो जो एग्जैक्टली बिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेम प्री डिटरमिंड नंबर। ठीक है, तो अब ये डाटा भेजेगा और इसके साथ साथ एक प्री डिटरमिंड नंबर भी भेजेगा जिससे सेंडर ने डिवाइड किया है वो डिवाइजर भी भेजेगा। ठीक, रिसीवर पे क्या होगा, रिसीवर क्या करेगा, जो उसको डिवाइजर मिला है वो इससे इनकमिंग फ्रेम को डिवाइड करके देखेगा एंड इफ देर इज नो रिमाइंडर, मतलब अगर आपके पास जीरो रिमाइंडर आ जाता है तो दिस इज एन अश्योरिटी दैट देर वॉज नो एरर। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी और इसका जो फ्लो चार्ट है वो भी बताते हैं। सेंडर साइड से क्या होगा कि आपने एम बिट डाटा जनरेट किया, ठीक है, उसके साथ आपको एक एन बिट का फ्रेम चेक सीक्वेंस भी जनरेट करना है। ठीक है, अब ये एन बिट्स कितनी होंगी, जितने का आपका डिवाइजर होगा ना, जितनी बिट्स का डिवाइजर होगा उससे एक अगर आप कम कर लें तो आपके पास ये फ्रेम चेक सीक्वेंस उतनी बिट्स का होगा। लेट्स सपोज आपका डिवाइजर जो है वो 4 बिट्स का है, तो आपने यहाँ पे कितनी बिट्स ऐड करनी है, 3, जो कि आपको बेसिकली बता रही होती है कि फ्रेम चेक सीक्वेंस इतनी बिट्स का होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे अगर आप देखें तो n बिट्स का फ्रेम चेक सीक्वेंस था और n प्लस 1 का डिवाइजर था। जब ये दोनों आपस में वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा कि इनके नतीजे में एक साइक्लिक रिडंडेंसी कोड जनरेट होगा। ठीक है, जो कि आपको n बिट्स का मिलेगा, जितनी n बिट्स आपने यहाँ पे ऐड की थी उतनी बिट का आपको एक रिमाइंडर मिल गया जिसे हम सीआरसी कह रहे हैं। अब सेंडर क्या करेगा, डेटा के साथ सीआरसी को ऐड करके रिसीवर को भेज देगा। रिसीवर देखेगा जब ये डेटा और सीआरसी इसके पास आए हैं तो ये इसको इसी डिवाइसर से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर देखेगा, अगर रिमाइंडर तो जीरो हुआ तो आपका डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ हुआ तो आपका डेटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज एक डेटा वर्ड लिखते हैं, हमारे पास डेटा है 1 1 0, लेट्स सपोज 1 अगेन 0 एंड 1 1। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास हमारा डेटा है। अब हम क्या करते हैं, हम खुद से ये एक डिवाइजर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारा डिवाइजर है 1 0 1 0। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब ये क्या था, बेसिकली ये डेटा था, ठीक है, और ये मैंने डिवाइजर चूज कर लिया। अब डेटा के साथ यहाँ पे मुझे कुछ बिट्स ऐड करनी है, वो बिट्स क्या होंगी, जितनी मेरे पास यहाँ पे डिवाइजर की बिट्स है ना, ठीक है, उसमें से एक कम कर लूं तो मुझे इतनी बिट्स यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक, तो कितनी बिट्स है डिवाइजर की, 4, तो यहाँ पे मैं कितनी बिट्स एक्स्ट्रा ऐड करूंगी और उनको 0 लिखूंगी, 3 बिट्स। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इनको डिवाइड करती हूँ, जो मेरा डिवाइजर गिवन है उससे मैं डिवाइड करके देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको करूं तो 1 0 1 0। ठीक है, अब इस पे क्या मैंने परफॉर्म करना है, मैंने परफॉर्म करना है एक्स ऑर ऑपरेशन। ठीक है,
रिमेंबर फ्रॉम द इफ यू हैव सीन द हैमिंग कोड वीडियो, तो आपको पता होगा एक्स ऑर में अगर सेम बिट्स हो तो जीरो आता है और डिफरेंट बिट्स हो तो वन आता है. ठीक है, सेम जीरो डिफरेंट वन, डिफरेंट अगेन वन, डिफरेंट अगेन वन. ठीक है, हमारा डिवाइजर जो है वो फोर बिट का, यहाँ हमारे पास तीन बिट्स बची हैं, तो हम क्या करेंगे एक बिट ऊपर से नीचे ले आएंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा वन 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 जीरो, इसके साथ हम क्या करेंगे जो हमारा डिवाइजर है उसको एक्सऑर करेंगे. ठीक, तो अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे दोबारा एक्सऑर किया हमने, सेम जीरो डिफरेंट वन, सेम जीरो सेम जीरो. ठीक, अब ये दोबारा हमारे पास थ्री बिट्स बनी है, तो दोबारा हम क्या करेंगे एक और बिट नीचे बोरो करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आ गया वन. ठीक, तो अब दोबारा से इसको अगर डिवाइड करूं वन जीरो वन जीरो एंड अगेन एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये सेम बिट जीरो, सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट वन, डिफरेंट बिट वन. अब अगर आप देखें तो आपके पास दो बिट्स हैं जो कि मौजूद हैं, तो इसका मतलब है दो बिट्स आपको और बोरो करनी पड़ेंगी. तो एक ये वन आ गया और एक हम ये जीरो ले आते हैं. ठीक है, तो वन एंड जीरो. ठीक, अब दोबारा से अगर डिवाइड करें तो वन जीरो वन जीरो. ठीक, अब अगर आप देखें तो आपके पास सेम जीरो एक्स और परफॉर्म किया, सेम जीरो डिफरेंट वन, सेम इज जीरो डिफरेंट इज जीरो. ठीक, अब दोबारा से अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं ये वाली बिट भी, तो मेरे पास जीरो, फोर बिट बन गई. अब दोबारा से मैं लिखती हूं वन जीरो वन जीरो. ठीक है, और एक्स और परफॉर्म करते हैं इस पे, सेम जीरो सेम जीरो डिफरेंट वन सेम जीरो. फिर हमारे पास दो बिट रह गई, तो ये जो आखिरी बिट है इसको भी हम नीचे ले आएंगे. तो हमारे पास अब अगर आप देखो तो बिट बोरो करने के बाद भी हमारे पास जो नंबर ऑफ रिमाइंडर बिट्स बची हैं वो तीन ही बची हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब फर्दर आप डिविजन नहीं कर सकते, तो ये आपका सीआरसी कैलकुलेट होके आ गया. ठीक है, रिमेंबर हमने क्या कहा था कि जितनी नंबर ऑफ बिट्स आप ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, उतनी बिट्स का ही सीआरसी आएगा. तो आपने यहाँ पे कितनी बिट्स ऐड की थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट तीन ऐड की थी ना, तो नीचे अगर आप देखें तो इतनी बिट्स का ही सीआरसी कैलकुलेट हुआ. ठीक, अब क्या होगा, अब आपने ये तो सेंडर साइड पे हुआ. ठीक है, ये सेंडर साइड पे सारा काम हुआ. अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर ने सीआरसी कैलकुलेट किया, सेंडर करेगा अपना डेटा. ठीक है, और उसके साथ जो सीआरसी है वो ऐड करके भेज देगा. ये डेटा हो गया. ठीक है, और साथ ही जो सीआरसी है वो भी ऐड करके भेज दिया जाएगा. ठीक, डेटा क्या था, वन वन जीरो वन जीरो डबल वन जीरो वन जीरो वन वन. ठीक है, ये डेटा था, और सीआरसी क्या था हमारा, 100. ठीक है, ये सीआरसी था, ये डेटा वर्ड था. ये डेटा वर्ड अब रिसीवर को भेज दिया जाएगा. लेट सपोज यहां पे रिसीवर है. ठीक है, रिसीवर के पास जब ये डेटा वर्ड आया तो अब रिसीवर क्या करेगा, यहां पे ये आप लिखें. ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. रिसीवर के पास सिर्फ ये चीज आएगी. ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं सीआरसी पे रिसीवर क्या करेगा. अच्छा, रिसीवर के पास ये डेटा आया. ठीक है, जिसमें डेटा और सीआरसी, ये कोड वर्ड आप समझ लो, ये कोड वर्ड आया. ठीक, तो रिसीवर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कोड वर्ड को 110 1 0 11. ठीक है, और एंड पे जो आपकी जो सीआरसी बिट्स है वो भी हम लिख लेंगे. ठीक है, इन बिट्स को रखेगा एज अ डिविडेंड, और जो डिवाइजर था वो भी साथ चुके भेजा जाता है. तो डिवाइजर हमने सेंडर ने क्या रखा हुआ था, 1010. ठीक है, तो अब क्या होगा, रिसीवर इसको डिवाइड करेगा कैसे, 1010. ठीक है, एक्सऑर परफॉर्म करें आप, जीरो सेम इज जीरो डिफरेंट इज वन, डिफरेंट इज वन, डिफरेंट इज वन. अगेन ये कॉपी हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा जीरो, फिर 1010. ठीक, दोबारा से एक्स और परफॉर्म करें, सेम इज जीरो डिफरेंट इज वन, सेम इज जीरो, सेम इज जीरो. ठीक, दोबारा आप इसको कॉपी करें तो ये हो गया वन. दोबारा देखें 1010.
So same is 0, same again 0, different 1, different 1. दोबारा आपने क्या करना है, एक और जो बचा एक है उसको कॉपी करके नीचे ले आए, लेकिन एक से भी अगर आप देखें तो तीन बिट्स हैं यहाँ पे, जो डिवाइजर है वो 4 बिट्स का है, तो इसका मतलब है एक और बिट आप यहाँ पे बोरो कर लें, ठीक है। तो अब देखें अगर आपके पास बचेगा 1 0 1 0, ठीक। सो सेम इज 0, डिफरेंट इज 1, फिर सेम इज 0, डिफरेंट इज 1, और ये जो आपके पास बिट है इसको दोबारा नीचे ले आए तो ये बचेगा 0, ठीक। अभी भी ये 4 बिट का डिवाइड हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे 1 0 1 0, ठीक। सब अगर आप देखें तो ये बिट भी सेम है, ये बिट भी 2 बिट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 0 0, और ये वाला 0 भी अगर आप नीचे ले आए तो ये भी 0, ठीक। तो इसका मतलब है ऑल 0, जब ऑल 0 रिसीव हो गए तो आपका डेटा जो था वो करेक्ट था और डेटा जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट सपोज के यहाँ पे 1 आ जाता, 0 0 0 1 आ जाता, तो आपका डेटा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता। जब तक ऑल जीरोज नहीं आएंगे तो आपने डेटा को एक्सेप्ट नहीं करना, रिसीवर तब तक एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल किया थी कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट सपोज कि हमारे पास डिवाइजर है, ये डिविडेंड हमारा ये था, ठीक है, और क्वेश्चन हम जनरेट करते हैं कि कैसे जनरेट होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने डिवाइजर की जितनी बिट्स हैं उसमें से एक कम करके हमने बिट्स को पैड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 0 1 1 4 बिट्स का था, तो हमने इसको 3 बिट्स साथ में एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दी, क्योंकि ये हमारा सीआरसी इतनी बिट्स का कैलकुलेट होगा, ठीक। तो जब हमने एक्सऑर किया तो सेम 0 डिफरेंट, सेम 0 डिफरेंट 1, सेम 0, तो एक बिट हमने बोरो कर ली। फिर हमारे पास ये 3 बिट्स का और हमारा डिवाइजर जो है वो 4 बिट्स का, तो एक और 0 हमने कॉपी किया, तो अब हमारे पास जो डेटा वर्ड है वो ये बना, और जो हमारा डिवाइजर है उसको हमने दोबारा से डिवाइड किया और एक्सऑर परफॉर्म किया, तो हमारे पास सेम 0 सेम 0 डिफरेंट इज 1 डिफरेंट इज 1, एक और बिट हमने कॉपी की, तो हमारे पास ये अब वहां पे एक्स्ट्रा बिट्स भी जो है वो खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास इसके बाद ये डिवाइजर से डिविजिबल नहीं है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर कैलकुलेट। रिमाइंडर को हम कहते हैं ये हमारा सीआरसी कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो कोड वर्ड कैसे बनाते हैं, जिसे हमने कहा था डेटा वर्ड, डेटा वर्ड जो आपका डेटा है उसके साथ आपने सीआरसी जो आपका रिमाइंडर आया उसे ऐड किया, तो ये आपका कोड वर्ड बन गया, ठीक है। कोड वर्ड हम सेंड करते होते हैं रिसीवर को, रिसीवर जब ये कोड वर्ड रिसीव करेगा तो वो इस पूरे कोड वर्ड को अंदर रखेगा और जो आपका डिवाइजर है उससे डिवाइड करेगा। तो अगर आपके पास डिविजन के बाद जो आपके पास सिंड्रोम आता है या रिमाइंडर आता है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है आपका डेटा वर्ड एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब आपने डिवाइड किया तो रस्ते में आते हुए क्या हुआ, ये जो आपकी एक बिट थी ये यहाँ पे फ्लिप हो गई, ठीक। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर आया है वो ऑल जीरोज नहीं आया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी जो चेक है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सेंडर और रिसीवर पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।